नमस्कार एंड वेलकम टू अनदर वीडियो अनैलिसिस ऑफ अनदर स्टॉक फ्रॉम फाइव सर्कल्स प्राइवेट लिमिटेड टीम आज का सेशन थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है uh, काफ़ी अच्छी एजुकेशन आपको मिलने वाली है काफ़ी अच्छा ट्रेडिंग आइडिया भी है हम आज बात करने वाले हैं एक ऐसे स्टॉक की जो आज की डेट में मोमेंटम में है तो ये एक मोमेंटम प्ले की तरह आप देख सकते हैं uh, मैं आपको बताऊंगा कि मोमेंटम कैसे मैं बोल रहा हूं आपको कि ये मोमेंटम में है दूसरा आपको ये थोड़ा स्टॉक क्या है काफी दिनों से बहुत काफी गिरावट में था तो अभी कुछ ठीक ठाक हो गया है उसके रीजन भी बताऊंगा कि क्यों मेरे को ये ऐसा लग रहा है और कुछ लोग इसमें फंसे भी होंगे तो उनके लिए भी थोड़ी राहत की सांस मिलेगी इसमें राहत की खबर मिलेगी तो चल चलते हैं अपने एनालिसिस की तरफ स्टॉक का नाम है धनलक्ष्मी बैंक अगर आप देखेंगे कि कितनी बड़ी गिरावट आई है पीछे आने वाले पीछे के जो समय में आप देखेंगे यहाँ टॉप से अभी तक नाइन्टी सिक्स परसेंट की गिरावट आई थी बहुत बड़ी गिरावट थी जी तो अभी क्या है क्यों हम इसको मोमेंटम में मान रहे हैं और क्यों अब लग रहा है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा इसका रीजन है कि जब एक स्टॉक में हम कैसे मानते हैं कि ये किरता हुआ स्टॉक ठीक ठाक जगह पे आ गया है या ठीक हो गया है आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं या ट्रेड कर सकते हैं कि ये हम बुलिश कैसे हो जाते हैं हमारा व्यू कैसे चेंज हो जाता है उसके ऊपर बात करते हैं सबसे पहले तो जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर को पॉजिटिव होना चाहिए डेली में स्ट्रक्चर पॉजिटिव है बिल्कुल उसके बाद आ, वीकली में भी स्ट्रक्चर पॉजिटिव है मैं आपको डेली में दिखा दूँ सीधा सीधा ले जाके डेली में जी स्ट्रक्चर पॉजिटिव है वीकली में स्ट्रक्चर पॉजिटिव है ये देखिए ये हायर uh, हाईज और हायर लोज बना के चल रहा है इवन मंथली में भी स्ट्रक्चर पॉजिटिव है तो कहीं भी कुछ ऐसा नेगेटिव नहीं दिख रहा है आप ये देखेंगे इसके बाद में ये वाले लेवल्स नहीं आए ये जो ये लोअर लोस ये एक दो तीन चार इसकी बजाय हायर लोस लगने शुरू हो गए यहाँ से फिर यहाँ से तो सब कुछ बदल गया है तो इसलिए हम भी बुलिश हैं और इसको देते हुए हमें भी कॉन्फिडेंस आता है uh, मैं आपको रीजन दिखाता हूँ कि क्यों एक तो मैं आपको एक ट्रेंड लाइन दिखाता हूं ये देखिए आप एक दो तीन चार मैं इसको पीछे भी एक्चुअली एक्सटेंड कर सकता हूं ठीक है तो एक दो तीन चार पाँच तो ये एक लेवल था ऐसा लग रहा है कि ये अभी टूट गया तो ब्रेकआउट है इसपे अः आ... काफी लंबा लंबे टाइम से आ रहा है अगर आप देखें तो यहाँ पे 2007 से अगर इसे भी माने तो 2010 से मतलब बारह तेरह साल का एक रेजिस्टेंस था वो टूट गया लॉ ऑफ पोलैरिटी भी आप उसको बोल सकते हैं ठीक है इसको आ, इसको हटा के मैं बाकी की चीजें दिखाता हूँ कि और क्या दिख रहा है दूसरा मैं आपको एक ये दिखाना चाहूंगा कि आर है जो मंथली उसपे भी ब्रेकआउट दिख रहा है ठीक है ये आर एस आई मंथली वाले ब्रेकआउट तो बहुत बड़े होते हैं कि बहुत बड़े बड़े लेवल की बात करते हैं वहां से हम उतने बड़े लेवल की बात नहीं करेंगे मैं आपको बस ये पॉजिटिव वाले रीजन अपने दिखाना चाहता हूँ कि क्यों ऐसा लग रहा है प्लस अब मैं शुरू करता हूँ अपना एक्चुअल एनालिसिस तो वीकली टाइम फ्रेम पे चले जाते हैं वीकली पे ये सपोर्ट दिख रहा है हमें अच्छा खासा सपोर्ट सपोर्ट जोन भी बोल सकते हैं इस एरिया को भी ले सकते हैं तो ये सारा सपोर्ट जोन है ये सब कुछ ठीक दिख रहा है यहाँ पे एक चैनल काम करते हुए दिख रहा है यहाँ पे नीचे और ऊपर और मिड सेक्शन भी इसका ठीक ठाक काम करते दिख रहा है ठीक है तो चैनल के हिसाब से हम ये देख लेते हैं अगर हम यहीं पे खरीदते हैं तो हमें यहाँ से तेईस परसेंट तक की बढ़त दिखती है मतलब अभी प्राइस चल रहा है पच्चीस रुपये तो हमें तीस रुपये तक का तीस रुपये पचास पैसे तक का एक टारगेट दिखता है इसके अलावा अगर इसको क्रॉस करता है तो और भी बड़े टारगेट हैं नेक्स्ट जो जोन हमारा आएगा ये वाला ये इस जगह से तीस रुपये पचास पैसे वाले लेवल से ये ऊपर दिखा रहा है 40, 48, 47 रुपीस के आसपास का तो ये लेवल इस लेवल से सत्रह फिफ्टी सेवन परसेंट और ऊपर है मैं इन दोनों को हटा देता हूँ और टोटल आपको दिखा देता हूँ तो इस लेवल से नाइन्टी फोर परसेंट मतलब आपके पैसे डबल होने के भी चांस है लेकिन वन बाई वन पहले ये छोटा वाला टारगेट पूरा होगा फिर बड़ा वाला टारगेट पूरा होगा इसके अलावा ये स्टॉक अगर आपको वापस इस पे इस जो चैनल का ये वाला एरिया है यहाँ पे बीस इक्कीस रुपए के आसपास मिलता है तो आप और बाय कर सकते हैं uh, यहाँ पे और भी अच्छा आपके जो प्रोस्पेक्ट्स हैं प्रॉफिट के वो और भी अच्छे हो जाएंगे ठीक है ये ये रीज़न मैंने बताया कि क्यों इतना वो uh, अच्छा दिख रहा है इतने अच्छे वो दिख रहे हैं क्योंकि सब जगह से वो रेजिस्टेंस लॉन्ग टर्म रेजिस्टेंस रोड दिया है आर जो मंथली की है उस पर भी ब्रेकआउट दिख रहा है बाकी वीकली डेली सारे स्ट्रक्चर पॉजिटिव दिख रहे हैं इसके अलावा मैंने बात की थी कि स्टॉक मोमेंटम में मोमेंटम की बात कर लेते मोमेंटम में क्यों है ऐसा क्या दिख रहा है हमें वो मैं बता देता हूं आपको ये हमारा डीएमआई है डायरेक्शन मूविंग इंडेक्स है अगर मैं इसको वीकली पे ले जाके दिखाऊं आपको सीधा सीधा ये जो वाइट लाइन है ये एडीएक्स होता है और ये होता है मैं आपको दिखा देता हूँ इधर मैं भी भूल गया डी आई पॉजिटिव ठीक है तो डेविएशन जो है ये स्टैंडर्ड डेविएशन है ये पॉजिटिव है तो जब 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 ये व्हाइट और ग्रीन एक साथ में मूव करेंगे और ऊपर की तरफ चलेंगे तो प्राइस में मोमेंटम रहेगा जब जब आ, मैं आपको पीछे हिस्ट्री में दिखाता हूँ जब जब व्हाइट और रेड एक साथ मूव करेंगे तो ब्रेक होगा पॉइंट नीचे की तरफ मोमेंटम रहेगा मतलब प्राइस गिरेगा तेजी से गिरेगा मैं आपको ये शो भी कर देता हूँ हमने देखा ये इस जगह पे यहां से देखिए कितनी तेजी से गिरा है प्राइस ठीक है ये आप देख सकते हैं इसको बड़ा कर देता हूं मैं थोड़ा ये देखिए रेड और वाइट रेड और सॉरी रेड और सॉरी और रेड एक साथ ऊपर आए हैं और तो प्राइस गिरे हैं ये देखिए यहां पे एक साथ चलेंगे इतने सेक्शन में यहां से देखिए पूरी तेजी से गिरा है मतलब आप डे मतलब एक एक वीक में पंद्रह परसेंट सात सात परसेंट इस तरह की गिरावट आई है और जब वाइट और ग्रीन एक साथ चलते हैं ये देखिए आप यहाँ पे ये एक हफ्ते में बाईस परसेंट अभी अभी अगर हालिया देखेंगे तो इसी हफ्ते में आठ परसेंट पहले बारह परसेंट उससे पहले चार परसेंट उससे पहले आठ मतलब चार परसेंट फिर उसके बाद तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये कॉम्बिनेशन जो है बहुत ही जबरदस्त है ठीक है यहां बिल्कुल नीचे से सपोर्ट से ऊपर उठ के आए एडीएक्स एकदम से मोमेंटम पकड़ा है स्टॉक ने तो ये आप देख सकते हैं कि जैसे अगर सिर्फ इतने से को देखें चेक करने के लिए फॉर एग्जाम्पल ये एक सौ बावन परसेंट का मूव है कितने हफ्तों में मैं वो भी आपको दिखा देता हूं जी चौदह हफ्ते चौदह हफ्ते कितने होते हैं चार से बारह चार सौ एक सोलह साढ़े तीन महीने में एक, एक सौ बावन परसेंट कहीं नहीं मिलेगा मतलब इतना स्ट्रोंग ये जो हमारा एडीएक्स जो एक इंडिकेटर है ये इतना स्ट्रोंगली काम करता है तो मोमेंटम का बैरोमीटर है ये मोमेंटम आपको इससे ही पता चलता है और फास्ट मोमेंटम में है स्टॉक तो मोमेंटम प्ले रहेगा इस स्टॉक में तो आप प्लीज़ इसको ट्रेड कीजिए और हमारा डिस्क्लोजर है जाने से पहले वीडियो के कि हम लोग से भी एनालिस्ट रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं है तो कोई भी ट्रेडिंग फैसला करने से पहले या इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें और अभी तो हमने शॉर्ट टर्म की बात की ये जो मैं नाइन्टी फोर परसेंट भी बता रहा हूँ ये भी इतना लॉन्ग टर्म नहीं है मिड टर्म या शॉर्ट टर्म में ही आएगा क्योंकि मोमेंटम में है तो बिल्कुल आ सकता है ये बहुत पॉसिबल है तो लॉन्ग uh, टर्म के बारे में और आगे क्या क्या हो रहा है स्टॉक में उसके लिए आप हमारे uh, जो टेलीग्राम चैनल है उस पर बने रहिए हम आप वहाँ पे टाइम टू टाइम जो है अपनी uh, अपडेट्स देते रहते हैं स्टॉक्स के रिलेटेड जिन पे हमने वीडियो बनाई है और यूट्यूब uh, चैनल पे कमेंट सेक्शन में आप इस वीडियो के बारे में भी कमेंट कर सकते हैं वहाँ पर हमसे पूछ सकते हैं कोई सवाल इस वीडियो से रिलेटेड है या किसी और स्टॉक का आप एनालिसिस एनालिसिस कराना चाहते हैं तो वो भी पूछ सकते हैं अगर वो वीडियो अच्छे लेवल पे होगा अगर वो स्टॉक अच्छे लेवल पे होगा तो हम डेफिनेटली उसका एनालिसिस करेंगे अदरवाइज आपको लेवल्स तो बता ही देंगे कि हम क्या देख रहे हैं और आप अगर फंसे हुए हैं तो क्या करना चाहिए तो एक तो वो है प्लस अपना प्यार हमारे साथ बना रही है हमें अनकरेज कीजिए लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए अपने नियर एं एंड डियर के साथ हमारी यूट्यूब चैनल को शेयर कीजिए वीडियोज को भी शेयर कीजिए और हमें एनकरेज कीजिए जितना आप हमें एनकरेज करेंगे हमारा उत्साह बढ़ेगा और हम अच्छी से वीडियो, अच्छी वीडियो अच्छे से अच्छा एनालिसिस आपके सामने लाते रहेंगे तो ये था छोटा सा एनालिसिस धनलक्ष्मी बैंक के ऊपर तो अभी के लिए मैं आपसे आगे चाहता हूँ धन्यवाद